अपनी बदहाली के आंसू बहाता सरगुजा संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज। हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की कई बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। उसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुबह अचानक छत का प्लास्टर भरभराकर गिर गया। अचानक प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत थी कि उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मरीज व परिजन वार्ड में थे और स्टाफ अपने कक्ष में। वह दूसरी घटना मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड की है, जहां आईसीयू वार्ड का किनारे का कॉर्नर की छत भी गिर गई। गनीमत यह थी कि वहां पर कोई मरीज नहीं था। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग काफी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है। कई हिस्सों को पीडब्ल्यूडी द्वारा डिसमेंटल भी घोषित किया गया। इसके बावजूद भी उसी भवन को जरूरत के अनुसार मरम्मत कराकर उपयोग में लिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा डिसमेंटल घोषित करने के बाद भी उक्त हिस्से में हमर लेप का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुरुष सर्जरी वार्ड के पास बरामदे की छत की प्लास्टर अचानक भरभराकर गिर गया। सुबह का समय होने के कारण वहां पर कोई नहीं था। मरीज व उनके परिजन सभी वार्ड में थे, स्टाफ नर्स भी नहीं थे। हालांकि अचानक प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी जरूरत मच गई। द्वारा हम लोगों ने उसको बात को रखी थी और उसमें से हमको यहाँ के CMHDA फंड से मुख्यमंत्री सहायता कोर्स से इसके लिए हम लोग 5 करोड़ का लगभग सेंसर हमको सिविल कार्य और इलेक्ट्रिकल कार्य के रिनोवेशन के लिए मिला हुआ है, जो कि अभी कुछ इलेक्ट्रिकल का हमको पैसा आ चुका है, जिसमें वो CGMSC को ट्रांसफ़र हो गया। CGMSC उसमें प्रक्रियाधीन में जो भी निविदा की प्रक्रिया होती है। और एक सबसे जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है वो सिविल का है, तो सिविल का अति बहुत ही आवश्यकता है। मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ और हम लोग लगातार उनसे संपर्क में है और उसके लिए मैं आज भी जो घटना हुआ एक जगह गिरा, हालांकि किस तरह की कोई जान हानि नहीं हुआ और किस तरह की किसी कोई चोट नहीं हुआ है। और एक कॉर्नर में जगह है, लेकिन उस वो हमारे लिए आई ओपनिंग है और उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। और उसको मैंने आज ही CGMSC को बोला है कि आप पूरे बिल्डिंग का एक बार, जो अभी बारिश के बाद जहाँ जहाँ पर सीवेज का वो हुआ है उसको एक बार निरीक्षण कर लें और जहाँ पर लगते हैं कि इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है उसको रिपेयर करें। और उसके जो भी उसके हमारे पास पैसे और बजट की कोई कमी नहीं है। मेन पावर के CGMSC के द्वारा हम लोग मेंटेनेंस का काम करवाते हैं। बहुत अति आवश्यकता होगा तो PWD का, इस बिल्डिंग का निरीक्षण अभी कुछ दिन पूर्व PWD भी गया है, किया है, उनसे भी मैंने संपर्क किया था। उन्होंने भी बोला है कि हमने उसको ऊपर शासन को भेज दिया है कि जैसे अप्रूवल आ जाएगा, उनके जो भी हायर अथॉरिटी होते हैं उनको भेजे हैं, उनका जैसे ही अप्रूवल आएगा सर हम उसका काम करेंगे। अब बेरोजगारी को कहिए बाय बाय। फास्ट इंडिया 24 न्यूज के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए। फास्ट इंडिया 24 जो सभी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भ्रष्टाचार, जुर्म, खेल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको सबसे पहले। फास्ट इंडिया 24 के लिए छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा एवं जिलों में अनुभवी रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें 7879809004 8888951150। युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जरूर मिले। अपने क्षेत्रीय खबरों की जानकारी के लिए YouTube में फास्ट इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें, ताकि फास्ट इंडिया 24 न्यूज चैनल की सभी खबरें आपको सबसे पहले मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।